गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। आजकल दिल्ली में और एनसीआर में खूब जम के बरसात हो रही है, नहीं? और इस बरसात के मौसम में और इस मॉइस्चर वाले मौसम में हमें दो किस्म की प्रॉब्लम्स का बहुत फेस करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम है सीलन की, दूसरी प्रॉब्लम है मॉइस्चर की, तीसरी प्रॉब्लम है कि आजकल फेस्टिवल सीजन ऑन है तो इस फेस्टिवल सीजन में हम अपने अपने घरों में पेंट्स करवाते हैं, नहीं? तो पेंट कराने पे जो एक थिनर की हल्की सी महक आने लगती है हमारे घरों से, तो आज मैं आपको उसकी जो हमें एलर्जीज हो जाती हैं कई बार बरसात के मौसम में ना, सीलन की जो बदबू होती है घर में जो आने लगती है, तो उससे हमें काफी हद तक जो है हमें कुछ एलर्जीज हो जाती हैं, सोर थ्रोट हो जाता है, हेडेक्स हो जाती है, क्योंकि थिनर की बहुत ज्यादा स्मेल होती है पेंट में भी। तो चलिए इसका इलाज करते हैं आज, और मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। आज मेरे पास जो आपको बताने के लिए है वो है ऑयल डिफ्यूजर्स के बारे में, रॉक सॉल्ट हिमालयाज का जो लैम्प होता है उसके बारे में, और हम जानेंगे वुडन कपूरदानी के फायदों के बारे में। आज हम जानेंगे इन सभी चीजों के फायदों के बारे में और नुकसान के बारे में। देखिए, किसी भी चीज का अगर हम इस्तेमाल या किसी भी चीज को खाने में अगर हम ज्यादा मात्रा में कर देते हैं, ज्यादा लेने लग जाते हैं, फिर चाहे वो जंक फूड हो, आपका नॉर्मल न्यूट्रिशियस फूड हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज को अगर आप ओवर लिमिट कर देते हैं तो वो आपको नुकसान करती ही करती है, ठीक है? तो चलिए आज का हम अपना पहला प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या है और उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी और उसकी मेकिंग क्या है। सबसे जो एसेंशियल चीज होती है कि उसकी मेकिंग क्या है, वो प्रोडक्ट कितना वर्थफुल है आपके लिए और वो प्रोडक्ट कितना फायदेमंद रहेगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारा पहला प्रोडक्ट होगा ये वुडन कपूरदानी। देखिए, ये जो वुडन कपूरदानी है इसके ऊपर ये स्टील की एक चीज दी होती है, ठीक है? स्टील की ये प्लेट होती है जिसके ऊपर आप डायरेक्ट जो है अपना कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए, या आप कपूर रख के जब आप इसको लगाते हैं स्विच में, जब आप इसको लगाएंगे तो क्या होगा कि जब आप स्विच में इसको लगाएंगे तो ये आपको कुछ फ्यूम्स उड़ती हुई नजर आएंगी, ठीक है? तो डरना नहीं है, क्योंकि कई लोग डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, जल तो नहीं गई है। नहीं, ये जली नहीं है। एक्चुअली में जो फ्यूम्स उड़ती हैं इस वुडन कपूरदानी की, और ये काफी सॉलिड होती है। देखिए, इसकी मेकिंग जो है अगर मैं आपको दिखा दूं, इसकी मेकिंग काफी सॉलिड होती है नीचे से भी। ये प्लग इन अगर आप करेंगे तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? अब क्या है कि जब आप इसके ऊपर कपूर रखेंगे तो वो धुआं उड़ाएगा। अब जो धुआं होता है उसका क्या फायदा होता है, देखिए पहला प्रोडक्ट हमने जाना। इसकी कॉस्टिंग जो है वुडन कपूरदानी की वो आपको लगभग पड़ेगी 150 to 200 तक आपको ऑनलाइन जो है पड़ सकती है इसकी कॉस्टिंग, लेकिन ये बहुत फायदेमंद होता है। इसमें आप फ्रेग्रेंस ऑयल, एसेंशियल ऑयल आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, ये कपूर के लिए होती है जो मंदिर में जगाए जाते हैं या घर में भी आप फ्यूमिगेशन, जिसे हम बोलते हैं फ्यूमिगेशन, ठीक है, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। जैसे मॉइस्चर होता है उसकी स्मेल आने लगती है, या कुछ चीजें होती है जिनकी स्मेल आने लगती है, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है? 200 तक इसकी कॉस्टिंग होती है एंड मेकिंग वुडन होती है एंड प्लस प्लास्टिक होता है ये वाला नीचे वाला। कुछ भी खराब नहीं होता जलने से, कुछ भी नहीं होता है इसको। मैं पिछले 8-9 महीने से इसे यूज कर रही हूं एंड वेरी नाइस प्रोडक्ट। और कपूर के क्या फायदे होते हैं वो हम सब जानते हैं कि घर से इन्फेक्शन को दूर करना, घर से नेगेटिविटी को दूर करना, पूजा में यूज करते हैं, और अदरवाइज इसकी फ्यूमिगेशन होती है घर में जो हम धुआं करना चाहते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है, अब मैं आपको दिखा देती हूं। मेरे पास यहां पे आपने देखा होगा कि स्मोकी बुद्धास मिलते हैं आजकल, स्मोकी बुद्धास, चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये इस तरीके का स्मोकी बुद्धा होता है जिसके ऊपर आप इस, आपको इसके साथ स्मोक्स मिलती हैं। स्मोक के अंदर आपको इस तरीके का एक होल मिलता है। देखिए, ये है वो स्मोकी बुद्धा। आजकल आपने देखा होगा कि स्मोकी बुद्धास मिलते हैं मार्केट में जिसके साथ ही स्मोक मिलती है, इसके नीचे एक होल होता है। जब भी आप इस स्मोकी बुद्धा को यहाँ पे ऐसे स्मोक रख के जगाएंगे, इसकी जो फ्यूम्स होती है वो नीचे से यहाँ पे आती है, जो कि डिजाइनर होती है, काफी डिजाइनर लगती है, लिविंग रूम में लगाया जाता है। और जब आप इसको बर्न करते हैं तब ये जो बर्न होने के बाद जिसका धुआं नीचे निकलता है, ये डिजाइनर होता है, ये भी अगेन आपका फ्यूमिगेशन के लिए होता है। और इसका ये फायदा होता है कि जो इसकी फ्रेग्रेंस होती है उससे आपका
इंसेंस का काम करता है, ये महकता है, ठीक है, घर में महक का काम करता है, जिससे कि स्मेल जाती है। और वैसे भी शाम के टाइम में ये बहुत अच्छा अपना एक इफेक्ट छोड़ता है पूरे घर में, क्योंकि अगर जैसे आप घर की ऑरा को अच्छा रखना चाहते हैं और आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं, क्योंकि शाम को कुछ लोग डल हो जाते हैं, तो पॉजिटिविटी रखने के लिए अपने घर में नेगेटिव चीजों को, नेगेटिविटी हटाने के लिए हम ये यूज करते हैं। और इसकी इंसेंस जो होती है बहुत अच्छी स्मोक होती है, इससे आपको कोई भी एलर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर देखिए जैस्मिन आता है, इसके अंदर रोज, सैंडलवुड, आप कोई सा भी अगर आप फ्लेवर लेना चाहें तो आप वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। हालांकि कपूरदानी के अंदर अगर आप कोई भी एसेंशियल ऑयल भी अगर आप डालते हैं, तो ऑयल में भी बहुत सारे रोज, सैंडलवुड, लेमन ग्रास और लैवेंडर, बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंस आते हैं जो कि आप उसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं, उसका ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं अपने, और मैं आपको सॉरी, मैंने आपको इसकी कॉस्टिंग नहीं बताई है, मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बता देती हूँ। इसकी कॉस्टिंग अगेन आपको 150 to 200 पड़ेगी, ऑनलाइन में मे बी आपको थोड़ी सी कम पड़ेगी, लेकिन तकरीबन ये मार्केट कॉस्ट इसकी होती है वो अगेन आपकी 150 to 200 तक जाती है आराम से। चलिए अब देखते हैं कि अब हमारा थर्ड प्रोडक्ट इज दिस, ये जो सिरामिक का एक डिफ्यूजर है, सिरामिक का जो एक डिफ्यूजर होता है, इसके अंदर आप यहाँ पे जो स्पेस दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप रखते हैं अपनी कैंडल्स। अब मैं आपको वो कैंडल दिखाती हूँ जो मेरे पास है। देखिए ये वाली आपकी कैंडल होती है टी लाइटर, जिसे हम बोलते हैं टी लाइटर, आपने ऐसे रखा अंदर, और यहाँ पे जो स्पेस दी हुई है, ठीक है, ये जो स्पेस दी होती है ये अगेन आपका एसेंशियल ऑयल के लिए दी होती है। ये जो ऑयल होता है आप कोई सा भी फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि देखिए इसके अंदर जो स्पेस दी हुई है, यहाँ पे मैंने ये कैंडल रखी है, इसके यहाँ पे आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, आप लगा सकते हैं। ये भी पॉजिटिविटी के लिए होता है, घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए होता है। एंड ये अरोमा डिफ्यूजर्स होते हैं, अरोमा डिफ्यूजर्स वो होते हैं जिनको थोड़ा सा आप कुछ अलग मेडिकल इश्यूज में भी यूज करते हैं। मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन से मेडिकल इश्यूज होते हैं। देखिए ये जो ऑयल डिफ्यूजर्स, अरोमा डिफ्यूजर्स होते हैं, इनका एडवांटेज क्या होता है, अगर आपको मेडिकली ज्वाइंट पेन्स है, अर्थराइटिस है, अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, या आपको एंग्जाइटी है, या आपको ज्यादा एग्रेशन है, या आपको ज्यादा फ्यूरियस रहते हैं, या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, जल्दी नींद नहीं आती है। देखिए मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि ये मेडिकली मतलब प्रूवन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हीट वेव से आपको आपके जॉइंट्स को, अगर आप जैसे हम रूम बंद करके हीटर चलाते हैं तो हीटर की जो गर्मी होती है वो हमारी बॉडी तक आती है एंड देन हमें वो रिलीफ देती है ठंड से, है ना। ये हमारे जो अरोमा डिफ्यूजर्स हैं वो हमें बहुत हद तक आराम देते हैं। अगर आप इन्हें जला करके, जिसको भी प्रॉब्लम है वो अपने प्लीज साइड में इन अरोमा डिफ्यूजर्स को चला के, या फिर रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट वाला जो लैम्प होता है, पिंक सॉल्ट वाला, आप उसको अपने बेड साइड में रखिए जिसको भी इश्यूज हैं, तो ये काफी फायदेमंद होते हैं। एंड इस डिफ्यूजर की, ये जो ये वाला है अरोमा डिफ्यूजर, ये सिरामिक मेड है, टोटल सिरामिक मेड है ये, ठीक है। एंड ये जो है इसकी कॉस्ट आपको 250 to 300 रुपीज पड़ती है। एंड आपको इसको घर के उस कोने में रखना है जहां पे बच्चों का हाथ थोड़ा कम लगे। आपको जो मैंने पहले डिफ्यूजर दिखाया था गौतम बुद्धा वाला, स्मॉल लाफिंग बुद्धा वाला, इसकी मैंने आपको कॉस्टिंग बताई थी, सेम ही कॉस्टिंग कई बार आपको छोटे लैम्प्स की भी पड़ सकती है। जो साइज में, अगर हम ये जैसे ये साइज में छोटा है, तो आप छोटे साइज के लैम्प आपको थोड़े कम कीमत में भी मिल सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा ऑनलाइन में कि आपको क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्योंकि अलग अलग कॉस्टिंग होती है, कंपनीज के अकॉर्डिंगली भी अलग अलग कॉस्टिंग होती है। चलिए अब हम जानेंगे कुछ ऐसी कैंडल्स के बारे में, अरोमा कैंडल्स के बारे में। ये देखिए मेरे पास ये कैंडल्स हैं, बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेश हैं, जो मैंने अपने घर में, ये रोज फ्रेग्रेंस है जो मैं अपने घर में जगाती हूँ,
और ये रोज फ्रेग्रेंस जो है मेरे घर को महकाता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी अगर कोई ओकेजन होता है, जैसे अभी गणपति आ रहा है तो मैं जगाती हूँ पूरे घर में, इसकी अरोमा बहुत अच्छी होती है एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे घर में ये जरूर रहे, क्योंकि इन चीजों से थोड़ी नेगेटिविटी दूर रहती है और आपको भी कुछ अच्छी चीजें लगती हैं घर में। जैसे नेगेटिविटी अगर दूर होती है तो हम सबको अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी होती है तो हम सबको अच्छा लगता है। हम इनसेंस स्टिक्स जगाते हैं, है ना, इनसेंस स्टिक्स जगाते हैं। अगर किसी को एक चीज और है कि अगर किसी को भी ब्रीदिंग इश्यूज पहले से हैं, बहुत ज्यादा हैं, अस्थमेटिक है, तो प्लीज अगर आपको फ्यूम से एलर्जी है, अगर आपको किसी भी खुशबू से एलर्जी है, तो प्लीज इन्हें मत जगाइएगा, क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ये वही लोग यूज करें जिन्हें प्लीज कोई भी ब्रीदिंग इशू या एलर्जीज नहीं है। अगर ब्रीदिंग इशू आपको थोड़ा है, लाइक आपको मैंने बोला कि ब्रीदिंग इशू से सॉल्व करता है, वो इस मैटर में सॉल्व करता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कोल्ड के रिलेटेड अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, तो जो अर्थराइटिस होता है, जो कि हमारा स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जो हमारी मेंटल इश्यूज होते हैं, वो हमारी गर्मी से इसलिए ठीक होते हैं क्योंकि वो हमें रिलैक्स करते हैं, है ना। गर्मी से जो रिलैक्सेशन मिलती है हमें ठंड के मौसम में भी, और जो मॉइस्चर के मौसम में हमें अच्छी खुशबू, अच्छी फ्रेग्रेंस से जो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, वो एक अलग ही होती है। तो चलिए अब सबसे हम इम्पॉर्टेंट चीजों को जानेंगे कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका ये हिमालयन रॉक सॉल्ट लैम्प। ये देखिए, इसके ऊपर अभी आपको शायद तेज रोशनी के कारण ये दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये ओम नमः शिवाय लिखा है इसके ऊपर। मैं अभी आपको आराम से दिखा देती हूँ, शायद हो सकता है कि लाइट के कारण आपको ये ओम नमः शिवाय दिखाई ना दे, बिकॉज ये अभी जग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर ये ओम नमः शिवाय लिखा है, ये ओम नमः शिवाय लिखा है। इसके अंदर ये वाला जो पिंक सॉल्ट है, ये अगर आप पिंक सॉल्ट देख रहे हैं, इस तरीके का ये पिंक सॉल्ट होता है, ये आपको पड़ेगा 500 रुपीज तक का, और ये प्रॉपर वुडन है। इसको जगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसकी हीट से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वुड को हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रॉक सॉल्ट वाले जितने भी लैंप्स हैं उनकी आपने कवर देखी होगी, वो सबके सब वुडन में होते हैं, और अच्छा रहता है कि अगर आप वुडन किसी बॉक्स में या फिर प्लैटर में ले, क्योंकि इसका जब रॉक पूरा पिघलता है तब वो पिघल के नीचे आता है और वो जमना शुरू कर देता है किसी भी चीज पे। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 500 रुपीज। एंड एक चीज और है, अभी मैं आपको बड़े वाले रॉक सॉल्ट लैंप के बारे में भी बताऊंगी। ये देखिए, मेरे पास एक ये बड़ा रॉक सॉल्ट लैंप है। अभी आपको यहाँ पे इसका नमक जो है वो पिघलते हुए दिख रहा होगा। ये देखिए, इस तरीके से ये लैंप के नीचे ये नमक जो है इसका पिघल रहा है। देखिए, तो अगर इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो होती है 1200 रुपीज, क्योंकि ये आपको सिर्फ रेकी वालों के पास ही मिलेगा। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, ये काफी बड़ा है और ये काफी भारा है। इसके नीचे देखिए, ये जो नमक आपको जमते हुए नजर आ रहा होगा, ये पुराना हो चुका है। चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि पुराने का क्या नुकसान और फायदा होता है। कपूरदानी और मैंने जिन डिफ्यूजर्स के बारे में आपको बताया, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देती हूँ कि जो वुडन कपूरदानी आपने देखी वो स्टील में भी आती है, और स्टील में भी उसका कोई नुकसान नहीं है। उसमें आप कपूर और इंसेंस दोनों जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इंसेंस जला रहे हैं स्टील की कपूरदानी में तो वो ज्यादा गर्मी ना रहे। अब हम चलते हैं अपनी इंसेंस स्टिक पे। देखिए, जो मेडिटेशन में इंसेंस स्टिक बनाई जाती है वो अलग खाद्य पदार्थ से बनाई जाती है, लेकिन उसमें भी वाइट सेज, लेवेंडर, जापानीज रोज, नग चंपा, पोर्चोली, सैंडलवुड, इस तरीके की आप अलग खाद्य पदार्थ से बनी हुई मेडिटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने घर में भी जगा सकते हैं। अपने घर में इंसेंस जगाने से, अगरबत्ती जगाने से जो पॉजिटिविटी, जो एनर्जी आती है, जो नेगेटिविटी बाहर जाती है, वो बहुत एनर्जेटिक होती है। वो घर में सीलन की जो एक स्मेल होती है, घर में अगर किसी को कोल्ड है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमेटिक है, एलर्जीज हैं, तो वो भी नहीं रहता है। जिसको भी ये एलर्जीज हो, प्लीज़ अपने बेड के साइड में इन लैंप्स को जगाएं और इन इंसेंस को जगाएं, ये बहुत इफेक्टिव होती है। आपके घर में एक एनर्जेटिक पॉजिटिविटी घूमती है, एनर्जी आती है, आपके अंदर भी एनर्जी आती है। शाम को जब हम पूजा करते हैं और इंसेंस, धूप, अगरबत्तियां जगाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक तरीके की पॉजिटिविटी आ जाती है। तो चलिए देखते हैं, कुछ और पॉजिटिव डिफ्यूजर्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं
आपको मैं जो अगला मेरा डिफ्यूजर है मैं उसको आपको बताती हूँ कि वो क्या है और आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो पुराना रॉक सॉल्ट लैम्प अभी आपने देखा, इसमें ये होता है कि जब आपका सॉल्ट पिघलने लगता है और काफी हद तक अगर पिघल चुका है तो अब आप उसे चेंज कर दीजिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रॉक सॉल्ट लैम्प जो है वो खराब हो गया है, नहीं, इसकी सिर्फ जो सॉल्ट है वो पिघल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा चला हुआ लैम्प है। अब जो ज्यादा चला हुआ लैम्प होगा उसमें आपको जो इस तरीके का सॉल्ट पिघलने वाली चीज है वो मिलेगी आपको, क्योंकि इसका असर ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, इसका असर अभी भी है, इसके फ्यूम्स अभी भी है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग चीज होती है, ये जब तक बिल्कुल छोटा नहीं हो जाएगा ना तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि मेरे पूरे घर में मुझे इन चीजों के लिए बहुत शौक है, इन चीजों का, क्योंकि मैं बौद्धिज्म में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं मेडिटेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं बौद्धिज्म में, साइलेंस में, पॉजिटिविटी में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे इन सेंस से बहुत प्यार है, मुझे फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, मुझे पॉजिटिविटी अच्छी लगती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि एक और जो चीज है हम उसके बारे में बात करते हैं, ये है मेरा छोटा हवन कुंड जो है। देखिए, मैं एवरी थर्सडे जो है हवन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो हवन की जो एक फ्यूम होती है वो पूरे घर के लिए बहुत शुद्ध होती है, उससे मक्खी मच्छर और जो इन्फेक्शन जो चीजें होती हैं जैसे डेंगू का मच्छर होता है और जो और जो फ्यूम्स होती हैं घर में जैसे कि सीलन की बदबू होती है या फिर पेंट का थिनर होता है, इन सब से छुटकारा मिल जाता है, घर की शुद्धि हो जाती है, वो अलग होती है, नेगेटिविटी हट जाती है, पॉजिटिविटी रहती है आपकी लाइफ में। और जो हवन की तरह ही हमारे बंगालीज में हेयर ड्राई करने के लिए भी स्टीम को यूज किया जाता है। हेयर ड्राई करने के लिए वो क्या करते हैं मैं अब आपको बताती हूँ कि जब वो सिर हेड वॉश करते हैं, सिर धोते हैं, तब उसके बाद वो नीचे से बालों में धुआं देते हैं उसको ड्राई करने के लिए, और बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए वो उस चीज को यूज करते हैं, स्पेशली बंगालीज फ्यूम्स का जो यूज करते हैं। आपने धुनुची का भी नाम सुना होगा, जो उनका एक डांस है, उसमें भी वो जो है गाय के जो उपले होते हैं और जो नारियल का छिलका होता है उस चीज को इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो धुआं होता है वो शुद्धिकरण के लिए होता है, धुआं हमेशा शुद्धिकरण के लिए होता है। ये जैसे हवन का धुआं हो गया, जो उनकी धुनुची का धुआं हो गया, हमारे इंसेंस स्टिक जो धूप होती है, धूप अगरबत्तियां होती हैं, उनका जो धुआं होता है वो पॉजिटिविटी के लिए होता है, वो आपकी इन्फेक्शन को क्लियर करता है। ये जो जितने भी अभी मैंने आपको यहाँ पे हिमालयन सॉल्ट रॉक लैम्प दिखाया है, ह्यूमिडिफायर्स दिखाया है मैंने अभी आपको, यहाँ पे सिरामिक ऑयल एसेंशियल ऑयल वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये जो मैंने रोज की जो मैंने आपको कैंडल्स दिखाई हैं, ये जो फ्रेग्रेंस कैंडल्स इस तरीके की जो स्मोकी होती, जो बुद्धा पे कैम्फूर दानी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये सब चीजें जो होती हैं ये सब पॉजिटिविटी को आपकी लाइफ में लेके आती हैं, पॉजिटिव वेव्स आपके घर में रहती हैं। और अभी आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है जो हेयर स्पा होता है, क्योंकि उसमें भी हम धुएं का प्रयोग करते हैं, स्टीम का। केरला में जो थेरेपी दी जाती है, जो हेयर स्पा की जो केरला में थेरेपी दी जाती है, वो किस तरीके से दी जाती है, एक हॉट ऑयल की आपके हेड में मसाज की जाती है, उसके बाद आपके सिर पे गर्म तौलिया रखा जाता है, देन आपका हेड वॉश करवाया जाता है, उसके बाद वो हेयर मास्क लगाते हैं आपके बालों में, देन जो मास्क होता है वो भी आयुर्वेदिक मास्क होता है, वो भी कोई इतना प्रिजर्वेटिव वाला मास्क नहीं होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कैसा होता है वो मास्क। और फिर उसके बाद जो है मास्क लगाने के बाद वो कंडीशनर जो होता है वो भी उनका आयुर्वेदिक होता है, एंड देन जो आपको हेड मसाज वाला जो ऑयल होता है वो भी उनका आयुर्वेदिक होता है, जो केरला में थेरेपी स्पेशल थेरेपी दी जाती है वो भी हेयर स्टीम दी जाती है, हेयर स्पा में हमेशा हेयर स्टीम दी जाती है बालों की जड़ों को जो मजबूत करने के लिए, आपका जो ये स्कैल्प ड्राई हो जाता है ना सिर का, ये उसी वजह से होता है, और जो डैंड्रफ हो जाता है ये उसी वजह से होता है। प्लीज ये लेमन लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि लेमन से सबसे ज्यादा स्किन ड्राई होती है, विनेगर से सबसे ज्यादा स्किन ड्राई होती है। दीज आर ओनली मिथ्स, एंड मोर ओवर जब आप स्पा लेने जाते हैं, स्पेशली जब आप पूजा करने जाते हैं, जब आप स्पा में जाते हैं, जब आप बॉडी स्पा लेते हैं, हेयर स्पा लेते हैं, तो इन कैंडल्स का जो ये जो कैंडल्स मैंने अभी आपको दिखाई थी, रोज कैंडल्स, इनका क्यों यूज होता है, क्योंकि देखिए जितनी अच्छी फ्यूम्स, जितनी भी
अच्छी पॉजिटिविटी आपके अराउंड में रहेगी, उतना ही आप उस स्पा को एंजॉय कर पाएंगे, आप उतना ही घर में एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपके घर में पॉजिटिविटी होगी, बीमारी नहीं होगी, अर्थराइटिस नहीं होगा, बोन जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, कफ नहीं होगा, ब्रीदिंग इश्यूज नहीं होंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी रहती है और आपस में झगड़े भी नहीं होंगे। तो चलिए आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझे बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा, और अपनी कोई भी क्वेरी हो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो मैं आपसे मिलती हूँ कल, कल से मेरा गणपति सेशन स्टार्ट हो रहा है। प्रे फॉर मी एंड प्लीज ब्लेस मी विद योर सब्सक्रिप्शन एंड विद योर लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर। प्लीज मेरे ब्लॉग्स को शेयर कीजिएगा, और आप लोग का कोई भी सवाल हो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड इन सबके प्राइस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ। अमेजोन से लेना चाहे अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से लेना चाहे फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, मुझसे लेना चाहे मुझसे ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया होगा, शायद ये नहीं बताया होगा, कि मेरा भी एक पहले छोटा सा बिजनेस था, सिर्फ इन चीजों का नहीं, मेरा किसी और चीज का बिजनेस था। दैट दीज थिंग्स वर द पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आगे की और जानकारी के लिए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।